नजर डालते हैं अगली खबर पर, जहां धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बिजली निगम कार्यालय में सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता से हुई बेरहमी से मारपीट करने के मामले में स्थानीय विधायक और एक अन्य के खिलाफ मारपीट, साथ ही SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इसी को लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने नकारा है। घायल सहायक अभियंता के पर्चा बयान के आधार पर बाड़ी विधायक मलिंगा और नगर पालिका की वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि समीर खान के खिलाफ मारपीट और SC ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। मामला दर्ज होने के बाद बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आरोपों का खंडन किया है। विधायक मलिंगा द्वारा सहायक अभियंता के आरोपों को झूठा, निराधार और तथ्यहीन बताते हुए मारपीट के आरोपों को पूरी तरीके से खंडित किया गया है। इधर सोमवार को मारपीट में घायल दोनों अभियंताओं का इलाज जारी है। आरोप मई को तो उन्होंने लगाया कि मैं इसको हटाने के लिए भी पहले 2-3 महीने पहले लिख रहे हैं कि करें यहाँ कि ये लूट मार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लाकर लोगों के खिलाफ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के ये फर्जी बिल दे रहे हैं। फर्जी रूप ठीक कराने के लिए जाते हैं कि 20-20 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये ये रुको रिश्वत दे, तो उनके गाय मैंने कहा आड़े पड़ता हूँ आपको। और जो तुम्हें पहले मंत्री जी को भी बताया कि नहीं जाए कि भाई आप इनको सुधारो, जैसे जैसे कर रहे हैं कब ना पुनः हो जाएगा, ऐसी सब को ही मैंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर लूट मार मचा रखी, आप इनको समारो, ये ऐसे ऐसे लूट मार कर रहे हैं जनता के विरोध में। मतलब पहले ही बताया कि नहीं, इनको काफ़ी दिन पहले ही आया और जनता के इन्होंने किसी का 5,000 का बिले, किसी का 10,000 का बिले, और रीडिंग के हिसाब से आप बिल लेंगे कि वैसे बिल लेंगे, बिल तो आप रीडिंग के हिसाब से लेंगे कि जितने की आपकी रीडिंग है जितना आप बिल ले सकते हैं। इन्होंने तो बुरी लूट मार मचा रखी, मैं आपको बताऊँ जो पुराना सिस्टम है तो मतलब तो पैसे चाहिए और ठीक कराएंगे जब हम पैसे चाहिए। जिन लोगों ने बिल भर दिए उनको 8 दिन हुए, किसी को 5 दिन हुए, किसी को 4 दिन हुए, उनके वो ट्रांसफार्म के काजे जा रहे हैं तो ट्रांसफार्म के काजे पैसे मांग रहे हैं, तब 10,000 रुपये होते हैं तो बुरे।